उम्मीदवारी करने का फैसला किया, मेरे कामों के ऊपर भरोसा किया, मुझ पर एतमाद किया और अपनी राय यहां पर आपने पेश की और पूरे मजमे ने हाथ उठाकर मेरी हिमायत की ताहिद की। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 14 में मुझे याद है कि उस मजमे के अंदर मैं मौजूद नहीं था। हजार खोली राबता ऑफिस के ऊपर शहर के सभी वर्करों को बुलाकर मैं उम्मीदवारी नहीं करूं इस तरीके की भी राय थी। लेकिन शेख रशीद साहब ने उस मजमे के अंदर यह बात कही थी, हारेगा और इससे ज्यादा क्या हो, और अल्लाह का करम है शहर की सभी तंजीमों ने, सभी मिल्ली तंजीमों ने और मुझे 2014 के अंदर एमएलए बनाकर असेंबली के अंदर भेजा। और जिस दिन महाराष्ट्र के अंदर सेकुलर आवाम के अंदर गम का माहौल था, क्योंकि सरकार सेकुलर पार्टी की नहीं बनने जा रही थी, और मेरे अपने खांडों के ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी शहर की आवाम ने दी। आप लोगों ने स्क्रीन के जरिए मेरी पहली तकरीर जमीतुल उलमा की देखी, आप नागपुर असेंबली का ये मेरा तीसरा ही दिन के सामने वाले की मुखालफत करे, मुसलमानों की, उन देहातों की, कस्बों की, उन शहरों के अंदर जहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा था, उनकी आवाज असेंबली के अंदर उठाना, और वो भी एक ऐसी सरकार। और अल्लाह का करम है कि उस असेंबली हाउस के अंदर इन 5 सालों के अंदर किसी की भी भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के एमएलए की हिम्मत नहीं हुई कि मुझको अरे करके बोल दे दो। सियासी दावपेच हुए अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने देखा था कि जब नवनिर्माण सेना 2009 के अंदर जब अबू आसिम आजमी साहब ने सिर्फ हिंदी में शपथ ली थी, हल्प लिया था, तो उनको मारने का काम किया गया था। लेकिन अल्लाह का करम है कि इस महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भी, महाराष्ट्र की तारीख के अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर और अल्लाह के नाम पर अगर किसी ने हेल्प लेने का काम किया तो वो आपका नुमाइंदा शेख आसिफ था। जहां पर अजान के ऊपर पाबंदी की बात की गई तो वहां पर भी मजबूत दलील के साथ असेंबली के अंदर बोलने का काम किया गया, और मैं पूरा इत्मीनान मुझको था कि मालेगांव शहर की आवाम मेरे अपने कामों को, महाराष्ट्र के अंदर जो नुमाइंदगी मैंने किया उससे मेरे शहर की आवाम मुझको जरूर दोबारा मौका देगी। मुझे आप लोगों के ऊपर और शहर की आवाम के ऊपर पूरा इत्मीनान था, और आज मैं वापस आप लोगों ने मुझ पर जो एतमाद जाहिर किया है, इंशाअल्लाह जो 5 साल मेरे अपने गए, इन 5 सालों के अंदर मैंने शहर को विकास डेवलप और तालीम के अंदर जो काम मैंने किया हूं, मैं समझता हूं मालेगांव शहर की आवाम जरूर मुझको आइंदा भी मौका देने का काम करेगी और सर्टिफिकेट देने का काम करेगी। मेरी हमेशा ये सोच रही है कि मेरे अपने मुखालिफ शहर के कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी के, मेरी कभी ये सोच नहीं रही कि मैं उनके खिलाफ बोलूं। और आप 5 साल देखिए कि कभी भी मेरे मुखालिफ में जितने चाहे छोटे लीडर हो, बड़े लीडर हो, मैंने कभी भी किसी की जातियात के ऊपर या किसी के ऊपर मैंने तनकीद नहीं,
आप देख लीजिए, सोच लीजिए। किसी की जातियात के ऊपर तक मैंने बात नहीं की, तकरीर नहीं की, बयान नहीं की, और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं यही कोशिश करूंगा। ठीक। शेख रशीद साहब मेरे सामने बैठे, मेरी वालदा तायरा शेख रशीद साहिबा बाजू में बैठी हुई है, मेरा परिवार यहां पर मौजूद है, मेरे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी मेरे सामने, मेरे बुजुर्ग। मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, कहीं 5 सालों के अंदर अगर रुपया पैसा कमाने की बात अगर कोई एमएलए की पोस्ट के ऊपर बैठकर अगर किसी की सोच होगी कि एमएलए अपनी चेयर के ऊपर बैठकर अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करके बहुत रुपया कमाता होगा, तो मैं आज एक बात हल्फिया बोल दूं और ईमानदारी से बोल दूं कि जिस घर के अंदर मैं रहता हूं वो घर भी मेरी वालदा के नाम पर, और मालेगांव शहर के अंदर मेरा एक भी प्लॉट नहीं है, 13x26 का भी नहीं है दोस्तों। मैं यकीन से और ईमानदारी से बात बोलता हूं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है और कोई मैंने मेरी ओहदे के ऊपर बैठकर एमएलए शिप का गलत फायदा नहीं उठाया। यकीन जानो आज भी मैं 20 लाख रुपए से ज्यादा कर्ज के अंदर डूबा हुआ हूं, कोई माने ना माने लेकिन मैं हल्फिया बोल रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल। और अगर जो रुपया पैसा मैंने कमाया भी तो मैंने हलाल तौर से कमाया है, हराम तौर से नहीं कमाया। और जो कमाया भी इन 5 सालों के अंदर, यकीन जानो कि इन मालेगांव शहर की आवाम के ऊपर ही खर्च किया हूं, तालीम पर ही खर्च किया हूं, सबको साथ लेकर चलने के लिए खर्च किया हूं, मैंने मेरा बैंक बैलेंस कभी नहीं बनाया। जाकर मेरा अकाउंट चेक करो, जाकर मेरी प्रॉपर्टी की मालूमात ले लो, या शेख रशीद साहब की प्रॉपर्टी की या मेरे परिवार की प्रॉपर्टी की मालूमात ले लो, दोस्तों आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सब खाली हाथ में। और जो पैसा जो भी हमारे पास आता है जाता है वो हम शहर के अंदर ही खर्च कर देते हैं। शेख रशीद साहब हमेशा बोला करते हैं कि कल कुछ नहीं हमारे पास था, आज कुछ नहीं है और आइंदा नहीं भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हमने शेख रशीद साहब ने हमें वैसी तरबियत दी कि कल भी हमारे पास कुछ नहीं था, आज भी नहीं है और आइंदा भी नहीं रहेगा, तो जीना सीखो। कभी भी किसी को शौक मत बना लो कि आप एसी के बिगड़ नहीं रह सकते, आप अच्छे घर की जगह नहीं रह सकते, आप रास्ते के ऊपर बैठ कर भी खाना पड़े, आपको झोपड़े में भी रहना पड़े, आपको फुटपाथ पर भी रहना पड़े, गुजारा बसारा करना गुजर बसर करना पड़े, तो आपको आदत बना लो। ये शेख रशीद साहब हमें हमेशा बोलते हैं, और यकीन जानो वैसे ही हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। आप जैसे लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, आप जैसे लोग प्यार करने वाले लोग, कई साथी अगर आप सोचते होंगे कि आपने पिछला असेंबली इलेक्शन में कितना खर्च किया, तो मैं आज वाजे कर दूं कि हमारे फैमिली के मेरे चाचा और हमारे दोस्तों ने मिलकर मुझ पर खर्चा किया था कि आप इलेक्शन लड़ो। और आज भी कई साथी ऐसा मुझको आकर बोलते हैं, कई नौजवान साथी बोलते हैं, हमारे साथी बोलते हैं, हमारे चाचा लोग बोलते हैं, खानदान के लोग बोलते हैं कि आज भी हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। यकीन जानो 15 दिन पहले तक, 1 महीना पहले से आज तक मेरे जहन के अंदर भी ये बात थी, मैं चाह रहा था कि 5 साल वापस मैं आराम करूं, इलेक्शन नहीं लड़ू, लेकिन कई लोगों को जब इस तरीके का ऐलान किया गया तो कई लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, शहर को आपकी जरूरत है। और मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, इलेक्शन के लिए जो हथियार लगते हैं आखिरी वक्त के अंदर, जो सामान लगता है, वो सामान का इंतजाम हो जाएगा।
लेकिन आज से अगर आप लोगों ने इजाजत दी तो ये जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो, जो आप लोगों के हाथ के अंदर जो किताबें आप लोगों को दी गई है, जो बुकलेट दिया गया है, उसके अंदर जो तामीरी काम देख रहे हैं, ये आवाम तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं चाहता हूं, चाहे मुझ पर कोई तंकीद करे, चाहे यहां से मंच ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद कोई मुझको बुरा भला कह दे, मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रचार के लिए, इस राब्ता मुहिम के लिए, आवाम तक कामों को पहुंचाने के लिए आप मेरा माली ताउन करें। आपसे 10 रुपये बन सका, आपसे 5 रुपये बन सकेगा, आपसे 15 रुपये बन सकेगा, जो बन सके आपकी खुशी से, ताकि मैं इलेक्शन के अंजाम आखिरी तक पहुंचूं। और आखिरी साहब के अंदर एक मिनट, मेरी जेब में 180 रुपया है, मैं अनीस हजार, मैं आपके लिए इस कहना जी मेरी जेब का पूरा पैसा देना चाहता हूँ। मेरी आखिरी तक आप लोग मेरा साथ दें, और आइंदा का इंतजाम इंशाल्लाह आप ही लोगों के बीच में से कोई नौजवान, कोई हमारे साथी उठकर खड़े हो जाएंगे, और जरूर हम इस शहर को आइंदा के लिए जो काम बचे है इंशाल्लाह जरूर हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। इस बात का मैं ऐलान करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि वीडियो शुरू की जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो दोबारा मुझे उम्मीदवार करने का आपने मौका दिया। शफीक भाई फिलहाल यूनियन की जानिब से चाय का नज्म है, चाय भी पीते जाए। आसिफ साहब ने वीडियो चालू की जाए, अचानक एक कहना चाहिए कि इमोशनल बात कर दी, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। ये इस तरीके से एक राउंड मार दो शफीक भाई, अलामती तौर पर हमारे राज्य की घटना नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन पूरे देश की बात। श्री श्री रविशंकर आसिफ साहब ने हमारे लिए बड़ी कहना चाहिए इमोशनल एक कहना चाहिए कि कंडीशन ला के रखती, ये हमारे लिए बहुत गैर मुतवक्के था। मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि हम सब तन मन धन के साथ आसिफ साहब के साथ हैं, इस बात का हम ऐलान करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये वीडियो चालू है, मेरी बात सुनो। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो जी। आप राज्य के कायदा, मैं वही बोल रहा हूँ भैया, शंकर जी का उधर का मसला उधर का है। दूल्हे से राजा भैया आए, उनका इस्तकबाल करते हैं। गोपाल अंसारी, गोपाल अंसारी साहब मुजफ्फर भाई है, कुछ के अंदर जो बलाज थे वो उसमें 6 लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने